नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई थी IRCTC स्कैम मामले को लेकर के। इसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सभी लोग कोर्ट परिसर पहुँचे थे। कोर्ट परिसर से ये खबर निकल के आ रही है, सबसे पहले लाइव सिटीज़ आप तक ये पहुँचा रहा है कि अगले आदेश आने तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लालू प्रसाद यादव के बेल को लेकर के, उनके बेल को लेकर के अगले आदेश तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हालांकि अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। जरा सुनिएगा, राज्यसभा सांसद मनोज झा जब कोर्ट परिसर के अंदर जा रहे थे उस वक्त उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, क्या अपना पक्ष रखा है। हैं हम उन प्रक्रियाओं के समक्ष हमेशा नियम पूर्वक हाजिर होते रहे हैं, उसी दृष्टिकोण से। मनोज जी, हसीये वाला बयान जो आया है, RJD की जो प्रमुख नेता है मीसा भारती, हसीये का बयान दे रही है, वायलेंस की बात कर रही है, हाथ काट दिया जाएगा और वो भी अपने ही ज्यादा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इसको प्रतीक में देखिए, उन्होंने कहा कि जब वो भाजपा में गए वो तो राजद के बहुत मजबूत हाथ थे, लालू जी के सबसे करीबी लोगों में से थे, उनके जाने से जो पीड़ा हुई उसको गरा से हंसे की उपमा में देखिए, उसको लिटरली देखिएगा तो नुकसान होगा। लेकिन इस तरह वायलेंस की बात नहीं, वायलेंस की बात नहीं की उन्होंने, इसको उपमा में देखिए ना, ठीक है। चलिए, आपने सुना क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या कुछ लालू प्रसाद यादव के लिए कोर्ट से फैसला निकल के आता है उससे तो लाइव सिटीज आपको जरूर रूबरू कराता रहेगा। लेकिन बड़ी खबर यही निकल के आ रही है, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं, मनोज झा भी उनके साथ साथ गए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की बेल याचिका पर अभी जो सुनवाई है वो अभी नहीं होगी, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। 11 फरवरी को अगली सुनवाई के दिन क्या कुछ निकल के आएगा उससे लाइव सिटीज आपको जरूर रूबरू कराता रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको सबसे पहले रूबरू करा सकें। धन्यवाद।